हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहेगा। बीएससी मैथ में हमने एक सवाल, लास्ट की वीडियो में ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि एक्स अंडर रूट में 1 + x + y अंडर रूट में 1 + x = 0, देन प्रूव दैट dy/dx बराबर -1/(1 + x) का होल स्क्वेयर। तो इस सवाल को पहले मैं सॉल्व कराता हूं, फिर आपको कुछ दो चार सवाल और नए कराकर फिर आपका नया चैप्टर में इनडिटर्मिनेट फॉर्म स्टार्ट करूंगा। ओके, चलिए इसको पहले मैं सॉल्व करता हूं। देखिएगा, एक्स अंडर रूट में 1 + y, फिर +y अंडर रूट में 1 + x = 0 दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए, पहले तो मैं इसके दो पार्ट कर ले रहा हूं। पहले लिख रहा हूं मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैंने क्या करा, दोनों पक्षों का मैं क्या कर लूं, वर्ग कर लूं, ठीक है। और आप वर्ग भी इस तरीके से कीजिए। देखिए, मैं आपको और थोड़ा सा और सॉल्व करा रहा हूं, यहां पे मत वर्ग कीजिए। पहले एक पक्ष को इधर ले जाइए, एक्स अंडर रूट में 1 + y = ये इधर जाएगा, तो -y अंडर रूट में 1 + x, अब इसका वर्ग कर दीजिए। ये अब यहां पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x², और इसका जब स्क्वेयर करेंगे, देखिएगा, जब मैं इसका जब स्क्वेयर करूंगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो सीधे सीधे 1 + y बचेगा। -y का स्क्वेयर करेंगे तो ये प्लस का y² ही हो जाएगा, और इस अंडर रूट वाली चीज का जब स्क्वेयर करेंगे तो ये 1 + x आ जाएगा, ठीक है। इस सारी चीज को इधर ले आइए, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस x² y। इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y² + y² x। सबको इधर ले आइएगा, तो x² + x² y -y² - y² x = 0 ये आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, उसको कॉमन ले लीजिएगा। पहले इस वाली चीज को और इस वाली चीज को एक साथ लीजिएगा, x² - ये y² हो गया, ठीक है। ओके, अब प्लस ये आपका x² y, फिर -y² x है बराबर 0। अब देखिएगा, इसको आप a² - b² की तरह इसको खोल दीजिए, x a+b और a-b इस तरह से खुल गया प्लस, इसमें से और इसमें से xy यदि कॉमन ले लो, यहां से x चला गया, यहां से y चला गया, तो यहां पर x बचेगा माइनस, यहां से y चला गया, x चला जाएगा, तो यहां पर y बचेगा बराबर 0। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपने देखा, इस वाले में मैंने रूल लगाया है a+b a-b। अब यहां पर देखिएगा, ये वाला चीज x-y और ये वाला x-y, ये आपका कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x-y ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से आपका x+y बचेगा, प्लस ये xy बचेगा बराबर 0। ये चीज आ गई आपके। अब यहां से देखिएगा, आपके पास में दो चीज है, एक तो x-y बराबर 0 और एक आपका x+y प्लस xy बराबर 0। अब देखिएगा, ये क्योंकि यहां पर x बराबर y इट इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल यानी कि ये पॉसिबल हो नहीं सकता, ये पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल यानी कि एक्स बराबर वाई, इस वाले इक्वेशन में एक्स बराबर वाई होता तो ये वाली इक्वेशन तो कभी बनती ही नहीं, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर एक्स की जगह पर वाई रख के देखो, एक्स की जगह पर वाई रख के देखेंगे तो क्या ये 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो ये वाली चीज तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, तो इस वाली चीज को हम वैसे ही छोड़ देंगे। और वैसे भी दिखाई दे रहा है, जब मैं इसका अवकलन करूंगा dy/dx = 1 आ जाएगा, जो कि ये चीज यहाँ पर प्रूफ नहीं करा रहा है, तो ये वाली चीज नहीं है, अब मेरे को ये वाली चीज लेनी पड़ेगी, तो इसी चीज को मैं लेकर आगे बढ़ूंगा। तो नाउ नाउ x+y + xy = 0 ये आ जाए। यहां से मैं क्या करूंगा, देखिएगा, और यहां से और सिंपल कर दो आप इसको। देखिएगा, इसको कैसे करेंगे हम, इस एक्स को इधर ले जाइए, तो y+xy = - का एक्स हो जाएगा। यहां से मैं वाई कॉमन ले लूं इसका, तो 1 + x = - का एक्स, इसमें से और इसमें से मैंने वाई कॉमन ले लिया,
ठीक है। अब यहां से यदि मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ जाएगा, ये आ गया। अब यदि मैं आपको देखिए एक चीज बताऊं, यहां से एक फॉर्मूला होता है कि यदि पहला फंक्शन बट्टे दूसरा फंक्शन दे रखा है उसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर, नीचे वाला फंक्शन जो कहते हैं पहले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर पहला वाला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिएगा इस वाली चीज को, इसको मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए पहली चीज, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये वाला आपका पहला फंक्शन होगा, ये वाला आपका दूसरा फंक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर यानी कि वन प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब ये वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन जो कहते हो ऊपर वाले का अवकलन यानी कि इस एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन करेंगे तो वन हो जाएगा, फिर माइनस। अब ये हो गया, अब ऊपर वाला फंक्शन जो कहते हो और नीचे वाले का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे वन का अवकलन जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो वन हो जाएगा, अकॉर्डिंग दिस, ठीक है। पहले वाला देखिएगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर आ गया, फिर नीचे वाला फंक्शन जो कहते हैं ऊपर वाले का यानी कि इसका, इस एक्स का अवकलन करेंगे तो वन आया, फिर अब की बार ऊपर वाला, ये वाला फंक्शन जो कहते हैं एक्स, नीचे वाले का अवकलन करेंगे यानी कि इसका, तो वन का अवकलन जीरो और एक्स का अवकलन वन, तो ये आ जाएगा, ये माइनस बाहर है, ये वाला जो माइनस था ये वाला बाहर। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका, ये तो माइनस का बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे काट दे रहा हूं इसको, थोड़ा सा सुंदर सा लिखूं ताकि आप ये देखिए, ये वाला माइनस है, ये तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन प्लस एक्स ही रहेगा, ये माइनस एक्स है और एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, जीरो ये तो खत्म, एक्स की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो माइनस का एक्स ही रहेगा, इस तरह से इस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यही चीज प्रूव करा रहा था, जी हाँ चेक कर लो, यही चीज प्रूव करा रहा था, ये देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया ना, हो गया प्रूफ। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके ये हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और है, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये देखिएगा ये वाला सवाल है, आपको ये वाला सवाल करना है कि y बराबर x, x की पावर x, x की पावर x यानी कि ऐसे इनफाइनाइट तक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका जब इस टाइप का जो सवाल होगा, पहले y बराबर x, x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x, इस तरह से इनफाइनाइट रूप में दे रखा है, तो अब देखिएगा हम इसको y बराबर एक फंक्शन छोड़कर, ये देखिएगा आप इस चीज को ना देखो, ये वाली, इस वाली चीज को आप ना देखो, तो ये भी तो आपका ऐसे ही दिखा रहा है x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x अनंत तक, तो बात यही है कि ये वाला अपने आप में y बन जाएगा, हमेशा एक फंक्शन को छोड़कर जहां से फंक्शन रिपीट हो रहा है यानी x, x की पावर x, x की पावर, तो वहीं से हम उसको y मान लेंगे, ये y मान लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिएगा अब ये वाले फंक्शन को आप ना लिखो तब भी x, x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x, डेड एस इनफाइनाइट, तो इसको भी तो आप y बोल सकते हो क्योंकि बात तो वही है, तो इसलिए ये पूरा जो टर्म है ये y हो जाएगा, एक फंक्शन को छोड़कर हम उसको y मान लेते हैं, ओके चलिएगा। अब ये y, अब क्या कहेंगे, लॉग लेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये log y बराबर log x की पावर y, log की प्रॉपर्टी होती है ये पीछे आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, log y इजिकल टू y log x हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग,
ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा, वन अप लॉग वाई का क्या होता है, वन अपॉन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, तो ऐसे लॉग वाई का वन अपॉन वाई हो जाएगा, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। जब जब हम वाई का अवकलन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है। अब यहां पर देखिएगा, ये दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन। तो कैसे करेंगे, पहला वाला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन, यानी कि लॉग एक्स का अवकलन, फिर प्लस, अब दूसरा वाला फंक्शन यानी कि लॉग एक्स जो कहते हैं पहले का अवकलन, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स ये वाई, इस तरह से। अब ये वन अपॉन वाई है साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टू वाई, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा, फिर प्लस, ये लॉग एक्स जो कहते हैं रहेगा इनटू वाई का अवकलन करूंगा तो वन आ जाएगा, लेकिन साथ में वन आ जाएगा क्योंकि वाई का जब भी अवकलन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिया जाता है। तो ये वन अपॉन वाई साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस, और ये हो जाएगा लॉग एक्स साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये वाला पूरी चीज इधर ले आएंगे बॉर्डर पार, तो वन अपॉन वाई ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, देखिएगा इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं मैं, और ये इधर आ जाएगा तो लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि ये लॉग एक्स ये आ जाएगा बराबर वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। अब ये देखिएगा, यहां पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको आप कॉमन ले लीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन ले लोगे तो वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स बचेगा बराबर, ये वन अपॉन ये है। इसको थोड़ा सा और देखिएगा, और थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखिएगा, यहां से ये मैं यहां पर ले ले रहा हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको आप ये देखिएगा, यहां पर मैं एलसीएम ले ले रहा हूं वाई का, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस वाई इंटू लॉग एक्स हो जाएगा बराबर वाई अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई ऊपर चला जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, वाई की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे वाई स्क्वेयर हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन प्लस वाई लॉग एक्स ये हो जाएगा। यही चीज प्रूफ करनी थी, देख लीजिएगा यही होगा प्रूफ, ये चीज आपका यहां से ये देख लीजिए, वाई स्क्वेयर वन माइनस वाई लॉग एक्स ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एक्स आपका इधर चला जाएगा, इस वाले एक्स को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एक्स इधर चला जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई स्क्वेयर अपॉन वन प्लस वाई लॉग एक्स ये आ जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिएगा कुछ कहीं पर गड़बड़ लग दिया, हाँ ये देखिएगा, ये माइनस आ रहा है और यहां पर ये माइनस था, तो ये यहां पर भी माइनस रहेगा, ये देखिए यहाँ पर वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स था, ये आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका, और तो ये आपका माइनस, ये भी माइनस रहेगा, इस तरह से प्रूव, ये आपका हो चुका है सवाल। ठीक है, बात समझ में आई, ये वाला यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे ही हम डी वाई अपॉन डी एक्स यदि एलसीएम लेंगे, नीचे वाला वाई आप एलसीएम ले लोगे तो वन माइनस वाई की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी वाई इंटू लॉग एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, इस वाई की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वन माइनस वाई लॉग एक्स बराबर वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स एस हो जाएगा, एक्स को इधर ले आओ, ये वाई पूरी चीज को इधर पहुंचा दो, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वेयर वन माइनस वाई लॉग एक्स, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो चुका है। आगे एक और सवाल करते हैं हम, ये देखिएगा, ये वाला सवाल है आपका एकदम शानदार सवाल है, इसको करेंगे, इसमें x बराबर ये दे रखा है और y बराबर ये अलग दे रखा है और dy अपॉन dx निकाल रहा हूं। ऐसे सवालों में जब आपको x बराबर अलग दे रखा हो, जैसे कि log t प्लस साइन
और वाई आपको अलग दे रखा हो, तो या इसमें कॉमन चीज देखो, ये एक्स जो है ये टी में दे रखा है, टी वेरिएबल है, यहां पर वाई और टी है, तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि अब हम इसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो इसका एक्स का करेंगे टी के रेस्पेक्ट, तो डीएक्स अपॉन डीटी हो जाएगा बराबर, इसका करेंगे लॉग टी। ध्यान समझिएगा, जैसे लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, ऐसे लॉग टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो लॉग टी का वन अपॉन टी हो जाएगा, फिर प्लस, और साइन एक्स का यदि अवकलन करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ऐसे साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। पहली चीज तो ये आ गई। अब ये दूसरा फंक्शन लिख लेंगे, y बराबर आपका e की पावर t प्लस cos t दे रखता है, इसका भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, इसका भी t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर e की पावर x का e की पावर x होता है, ऐसे e की पावर t का अवकलन e की पावर t ही रहेगा, फिर प्लस, और cos x का क्या होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, इसीलिए ये cos x का माइनस साइन t हो जाएगा। तो यहां से आपका dy अपॉन dx की यदि वैल्यू निकालो, तो e की पावर t माइनस साइन t आ गया। हमको तो dy अपॉन dx चाहिए था, तो यहां पे लिख देंगे dy अपॉन dx बराबर, y वाला क्या है ये, सॉरी यहां पर नीचे t था, पहले y वाला है तो पहले लिख देंगे ऊपर वाला dy अपॉन dt, ऐसे ही नीचे x है तो नीचे x वाला dy dx अपॉन dt ये आ जाएगा। अब ये देखिएगा, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं हम, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt, dy अपॉन dt की वैल्यू ये रही e की पावर t माइनस साइन टी, और ये देखिएगा ये डीएक्स अपॉन डीटी की वैल्यू क्या है, ये है वन अपॉन टी प्लस कॉस टी, ऐसे चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, देखिएगा ऊपर वाला जो कहते हैं रहेगा e की पावर टी माइनस ये हो जाएगा साइन टी, नीचे वाला टी आप एलसीएम ले लोगे तो वन प्लस टी कॉस टी हो जाएगा, नीचे से ये टी ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा टी ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन वन प्लस टी कॉस टी डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे यहां तक लिख दो, चाहे आप ये आंसर यहां तक लिख सकते हो, पेपर में आपको उत्तर माला नहीं दी रही होती है तो आप कोई सा भी एक उत्तर लिख सकते हो, और मैं आपको इसका एग्जैक्टली उत्तर बताऊं तो क्या है, यही वाला है, ये वाला इसका उत्तर दे रखा है टी ई की पावर टी माइनस साइन टी वन प्लस टी कॉस टी ये वाला दे रखा है, तो आप यहां तक इसका कर सकते हो। ओके, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, ये उत्तर हो गया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है? अब ये देख लेता हूँ कितना बड़ा वीडियो बन चुका है, क्योंकि नहीं तो कल से स्टार्ट करेंगे, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका इस चैप्टर को हम नए सिरे से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये आपका एल हॉस्पिटल रूल सिखाएंगे हम, एल हॉस्पिटल यानी कि लॉपिटल रूल क्या होता है इसको, और इस पर आधारित कुछ सवाल करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल से, ठीक है? तो आज तक जितना भी कराया उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ओके।